कोहराम लाइव की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। कोहराम में खबर चलने के सिर्फ 13 दिन बाद अलाउद्दीन को छुरा मार खून कर देने के मामले में वांटेड सहित 3 लोगों को दबोच लिया है। सभी को तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में एजाज अंसारी, इनामुल अंसारी और शमसुद्दीन अंसारी शामिल है। सभी रड़गांव स्थित शमसुद्दीन के ससुराल में पनाह लिए हुए थे। यहां याद दिला दे कि बीते 20 दिसंबर 2020 को रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के हिसाक बस्ती में अलाउद्दीन अंसारी पर 20-21 लोग टूट पड़े थे। कोई आगे से तो कोई पीछे से गोद रहा था शीर्षक से खबर चलाए जाने के बाद हरकत में आई रांची पुलिस। खबर में ये भी दिखाया गया था कि कैसे पुलिस के सामने ही अलाउद्दीन को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला गया था। ये दृश्य मौकाए वारदात में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। 26 जनवरी को हमने खबर दिखाई। रांची पुलिस कप्तान सुरेंद्र कुमार झा और सिटी एसपी सौरभ ने मामले को गंभीरता से लिया। पुलिस की टीम बनाई गई और फरार आरोपियों की तलाश में छापेमारी तेज कर दी गई। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी मोहम्मद एजाज अंसारी उर्फ पुट्टू, इनामुल अंसारी और शमसुद्दीन अंसारी तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव में छिप कर रह रहे हैं। छापामारी दल का गठन किया गया। 8 फरवरी की सुबह 3:30 बजे जगन्नाथपुर और तमाड़ पुलिस ने छापेमारी कर घर से तीनों आरोपियों को दबोच लिया। इससे पहले मामले के 2 आरोपियों को 22 दिसंबर को ही गिरफ्तार किया गया था। वांटेड को पकड़ने में जगन्नाथपुर थाना प्रभारी अभय कुमार सिंह, तमाड़ थाना प्रभारी प्रेम प्रकाश, SI शैलेश कुमार, SI अंकू कुमार, ASI विनोद कुमार सिंह, SI अंकित कुमार, SI दीपक कुमार सिंह, ASI साजिद खान की सराहनीय भूमिका रही। आरोपियों की गिरफ्तारी की सूचना मिलने के बाद अलाउद्दीन की बेवा शबनम समेत परिवार के अन्य सदस्य भी जगन्नाथपुर थाना पहुंचे। शबनम ने कहा कि जमीन विवाद में उसके पति का कत्ल किया गया था। उसके पति को चाकू मारने वाले एजाज को पुलिस ने पकड़ लिया है, लेकिन चाकू मारने का दूसरा आरोपी रेहान अब भी फरार है। तमाड़ से गिरफ्तार किए गए इनामुल और शमसुद्दीन मौकाए वारदात पर पत्थरबाजी कर रहे थे। वहीं शबनम के भाई इफ्तिकार अहमद ने कहा कि उसके जीजा की हत्या के आरोपियों के पकड़े जाने से उसे थोड़ा सुकून मिला है। अब इंतजार है रेहान के पकड़े जाने का, उसे भी उसके गुनाहों की सजा मिले। देखिए आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद क्या बोल गई अलाउद्दीन की बेवा शबनम और भाई इफ्तिकार। पहले तो तुरंत दो लोगों का हुई और अभी भी तीन लोग पकड़ा है। अभी फिलहाल 3 लोग पकड़े हैं, पहले से 2 मतलब 5, अभी तक 5 की गिरफ्तारी हुई है। जो चाकू मारा एजाज अंसारी वो पकड़ाया, और शमसुद्दीन अंसारी और इनामुल अंसारी 3 पकड़ाए हैं आज। ये लोग मतलब वो घटनास्थल पे थे, सब थे। पत्थरबाजी में शमसुद्दीन अंसारी था और इनामुल अंसारी था। 2 चाकू मारने में 2 थे, एजाज अंसारी और रेहान अंसारी। एजाज अंसारी पकड़ाया, रेहान अंसारी नहीं पकड़ाया। वो लोग, वो शमसुद्दीन अंसारी है शायद, वो अपने ससुराल में रह रहा था, वहीं से मतलब पकड़ाया है। तो ASP सर इसमें बहुत हेल्प किए, बहुत मदद की हम लोग का, जिससे एक तो कम से कम पकड़ाया। इसमें अभी हम लोग को थोड़ा सा आश्वासन मिला है, है ना, थोड़ा सा हम संतुष्ट है, हम लोग पूरा परिवार संतुष्ट है। हम लोग को बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत कम भी नहीं बोल सकते हैं, है ना, इतना कि बीच भर की संतुष्टि मिला है। अभी पूरे इनके मुजरिम पकड़ जाएंगे, और इस तरह पुलिस की मेहनत को देखते हुए ऐसा पता चल रहा है कि ये मुजरिम बहुत जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे।